हेलो स्टूडेंट्स मैं आचल जैन आपकी कंप्यूटर टीचर आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक फोर्थ का चैप्टर फिथ मोर अबाउट द इंटरनेट इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे इंटरनेट क्या होता है इंटरनेट के बारे में इंटरनेट की टर्म्स के बारे में इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में और माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फिफ्थ चैप्टर फिफ्थ मोर अबाउट द इंटरनेट आइए सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू स्टेशन देखते हैं जिसके अंदर इस चैप्टर के मेन कंटेंट है जिनके बारे में हम रीड करेंगे पढ़ेंगे वॉट इज इंटरनेट वॉट इज इंटरनेट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट कॉमनली यूज इंटरनेट टर्म्स माइक्रोसॉफ्ट is कॉम्पोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट is window. चलिए देखते हैं इसकी वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज राइट थिंग्स यू कैन डू यूजिंग द इंटरनेट इंटरनेट को यूज करके आप क्या कर सकते हैं क्या क्या काम कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर सर्च डेटा कर सकते हैं हम चैट ऑन द वेब कर सकते हैं टिक करेंगे रेस्ट नहीं क्लीन अप नहीं वॉच एंड एनिमेटेड मूवीज हम कर सकते हैं देख सकते हैं सेल फोन हम कर सकते हैं परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू सेंड एंड गेट एन ईमेल कर सकते हैं इस पर हम टिक लगाएंगे पैक योर स्कूल बैग नहीं इस पर नहीं लगाएंगे चलिए आगे देखते हैं इज इंटरनेट इंटरनेट क्या है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड बाय अ ग्लोबल नेटवर्क कॉल्ड द इंटरनेट देखिए जब कई सारी डिवाइसेस जो ग्लोबली क्या होती है, हैं कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से एक नेटवर्क के अंदर उस नेटवर्क को हम कहते हैं इंटरनेट टू पुट इट अनादर वे द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइस दैट अलाउस फॉर द एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो इंटरनेट है ग्लोबल नेटवर्क है जिसके अंदर जितने भी डिवाइसिस एक दूसरे से जुड़ी रहती है वो आपस में अपने डेटा को क्या कर सकते हैं कर सकते हैं एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती है इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क एज वेल एज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इसे हम कह सकते हैं ये नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का एक्जैक्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज अनोन क्या होता है हम ये गैस करना की कि कितने कंप्यूटर्स इंटरनेट पर जुड़े हैं ये हर किसी के लिए क्या है इम्पॉसिबल टास्क होता है जानना बहुत कठिन होता है बहुत सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं बहुत ज्यादा ये पूरा वर्ल्ड वाइड आपका क्या होता है फैला हुआ है इंटरनेट चलिए अब हिस्ट्री देखते हैं इंटरनेट कीट दिन ऑफ द इंटरनेट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द जो था हमारा जो इंटरनेट था उसका जो ऑरिजन हुआ जो वो डेवलप्ड हुआ किससे डेवलप्ड हुआ एरपानेट से ड्यूरिंग द नाइनटीन द दू एस गार्ड डिविजन लेट आउट एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एग्जामिनेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस इसको क्या था 1970 में यूएस गार्ड डिवीजन ने अपने डिफेंस के लिए एक मशीन का एक नेटवर्क का डेवलपमेंट किया जो था हमारा डिफेंस के लिए बनाया गया जिसका नाम था एरपानेट द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी और एरपा वॉज द नेम ऑफ इट्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन जो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी या एरपा जो था इसका नाम था इस ऑर्गेनाइजेशन का इन ऑर्डर टू एक्सचेंज एंड शेयर इन्फॉर्मेश नेटवर्क ऑफ कम्प्यूटर डिफरेंट जंगे जो हमारे क्या, पर क्या है सिस्टम कनेक्टेड है डिवाइस कंप्यूटर्स कनेक्टेड है उनको साथ आपस में क्या करी जा सकते हैं इंफॉर्मेशन शेयर करा जा सकता इसका मेन था एर्पानेट का मेन रीजन ये था ऑरिजन करने का आगे देखते हैं दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीसी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क और एरपानेट ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी पी सी के ना जानी गई नाम से एडवांस एजेंसी नेटवर्क के नाम से इसकी शॉर्ट फॉर्म एरपानेट है एयरपानेट वॉज इवेंचुअली मेड अवेलेबल फॉर एजुकेशन पर्पज बाय द यू एस गवर्नमेंट जो एरपानेट को बाद में क्या करा गया था कि इवेंचुअली लिया गया था कि यूएस गवर्नमेंट ने लिया था अपने क्या करने के लिए एजुकेशन पर्पज के लिए इसको फिर दोबारा इसको एडॉप्ट किया था दिस कंप्यूटर्स नेटवर्क सो वाइड स्प्रेड एडोप्शन बाय एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट एंड यूनिवर्सिटी एज अ रिजल्ट द नेटवर्क गोट बिगर एंड बिगर एवरीडे द इंटरनेट वॉज बोर्न एज द रिजल्ट ऑफ दिस नाउ डेज द इंटरनेट इज असिटी इन अवर लाइफ अब देखिए जब ये नेटवर्क लिया गया एजुकेशन पर्पज से तो ये क्या हुआ डे बाई डे डे बाई डे क्या हुआ ये आगे आगे आपका क्या गया बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया तो ये जो नेटवर्क बाद में किसने नाम लिया किसका इंटरनेट का और आज हम देख सकते हैं बिना इंटरनेट के सर्वाइव करना हर डेली एक्टिविटीज में हर जगह क्या हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है सो तो अब समझ में आए इंटरनेट कहाँ से आपका ओरिजिन हुआ चलिए अब इसके देखते हैं फैक्ट स्टेशन

रॉयल रेडार नॉर्वे ने ज्वाइन ने किया किसको को एरपानेट को तो वो एजुकेशन पर्पज से यूज होता गया और फिर एजुकेशन पर्पज से होकर हमारे इंटरनेट टर्म्स का क्या हुआ डेवलपमेंट हो गया डेवलप इंटरनेट टर्म्स उससे हमारी निकल कर आए चलिए कॉमनली यूज इंटरनेट टर्म्स देखते हैं कि कौन सी इंटरनेट टर्म्स कॉमनली होते हैं द फॉलोइंग आर सम फंडामेंटल फंडामेंटल इंटरनेट टर्म्स यहाँ पे कुछ इंटरनेट की हमारी टर्म्स की भी है उनको हम देखते हैं वन बाय वन फर्स्ट है हमारी वर्ल्ड वाइड वेब क्या है हमारी वर्ल्ड वाइड Web. The World Wide Web is a crucial component of the Internet. The largest collection of website based information on the Internet is referred to as the World Wide Web. टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो एंड अदर मीडिया कैन ऑल बी यूज टू कन्वे इन्फॉर्मेशन देखिए वर्ल्ड वाइड वेब से मीन्स क्या है हमारा वर्ल्ड वाइड मैम सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट है इंटरनेट का इसके अंदर क्या होते है डिफरेंट वेबसाइट क्या है? Connected होती है इससे कनेक्टेड होती हैं जितनी भी हमें इन्फॉर्मेशन होती है ग्राफिक ऑडियो वीडियो कुछ भी हम क्या कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन यहाँ से क्या कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड के वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू क्या कर सकते हैं कन्वे कर सकते हैं यहाँ तक आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया अब देखते हैं नेक्स्ट वेब पेज एवरी वेबसाइट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल वेब पेज अ वेब पेज इज इक्वलेंट टू अ बुक पेज अ पेज माइट कंटेन टेक्स्ट, पिक्चर्स, फोटो साउंड और वीडियो जो एवरी वेबसाइट पे क्या होते पेजेस से मिलकर बनी हुई है जो पेज होता है हर वेबसाइट के ऊपर वो पेज जो कहलाता है वो वेब पेज कहलाता है ये एक वेब पेज के अंदर हम टेक्स डॉक्यूमेंट पिक्चर्स साउंड वीडियोस कुछ भी क्या कर सकते हैं अटैच कर सकते हैं सब ये क्या होता है इसके अंदर कंटेन रहता है आप ये देख सकते हैं ये दिस इज वेब पेज चलिए आगे देखते हैं वेबसाइट स बाई डिफॉल्ट वेब इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट मैनी फाउंड ऑन मिलियंस ऑफ वेबसाइट जो वेबसाइट होती है वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है और जो इसका फर्स्ट पेज होता है हर वेबसाइट का वो फर्स्ट पेज कहलाता है हमारा होम पेज और ये बस सारी की सारी जो वेबसाइट्स होते हैं हम वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब के इन इनको वेबसाइट्स को क्या कर सकते एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट बहुत मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हमारी क्या होते हैं अवेलेबल होती है आइए हम देखते हैं यू आर एल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ईच पेज और साइट हैज अ स्पेशल लोकेशन कॉल्ड अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यू आर एल अब यूनिक एड्रेस इज नॉन एज दू आर एल जो जो वेबसाइट्स होती है उनके ऊपर जो हर वेबसाइट का एक क्या होता है एड्रेस होता है हर वेबसाइट का एक इंडिविजुअल अलग से एड्रेस होता है वो एड्रेस क्या कहलाता है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स रिसोर्स लोकेटर या यू कहलाता है आइए हाउ टू एक्सेस अ वेबसाइट किस तरह से हम वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं यू मस्ट फर्स्ट एंटर इट्स वेबसाइट वेब एड्रेस और यू आर एल इन अनदर इन द ब्राउज़र्स एड्रेस बार सबसे पहले हम एड्रेस बार पे जाएंगे जब हम खोलेंगे हम क्या करेंगे या तो वेबसाइट का यू आर एल एड करेंगे या वेबसाइट का नाम लिखेंगे आफ्टर दैट अ रिक्वेस्ट इज सेंड टू द वेब सर्वर बाय द वेब ब्राउजर जो फिर ये रिक्वेस्ट है वो ये क्या करी जाएगी आपकी वेब ब्राउजर के थ्रू भेजी जाएगी वेब सर्वर को द वेब सर्वर देन एट द डॉक्यूमेंट एंड देम टू योर पीसी जो वेब सर्वर है वो इन्फॉर्मेशन को सर्च करेगा फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी सिस्टम पर डाउनलोड करेगा फाइनली द पेज इज डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन बाय द वेब ब्राउजर फिर वेब ब्राउजर के थ्रू आप देखेंगे वो वो आपका जो जो होगा डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर द और वेब एड्रेस वेबसाइट वेबसाइट बिगिन विद भी का होता है या एड्रेस होता है वो एस टी टीपी से ये स्टार्ट होता है विच इज द एड्रेस ऑफ सम वेबसाइट्स लाइक ई कॉमर्स एंड बैंक्स बिगिन विद एस टी टीपीएस

फाइंड आउट एंड कम्पोज द यू आर एल ऑफ द अकाउंपनिंग विदिस्टेंस ऑफ योर इंस्ट्रक्टर आप यहाँ पे क्या करेंगे इनके फाइंड आउट करेंगे क्या यू आर यू आर एल को क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे या कंपोज करेंगे चलिए हम देखते हैं योर स्कूल साइट हमारी स्कूल साइट का क्या है हम अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ कर कर लेते हैं इस यहाँ पे यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे आपका सपोज स्कूल है हम यहाँ पे लिखेंगे मॉडर्न स्कूल डॉट कॉम डिस्कवरी का ले लेते हैं हम एच टी टी पी एस Next year, Ed. HTTS -E National. जरो का चलिए आगे देखते हैं आगे देखते हैं हम वेब ब्राउज़र A browser is also known as a web browser. It is a piece of software that searches for and displays web pages on your computer or another device. The browser displays the result as links to the तो वेब पेजेस देखिए जो ब्राउजर होता है ब्राउजर क्या होता है जो भी हम क्या करते हैं नेट पे सर्च करते हैं हम वेब ब्राउजर के थ्रू करते हैं ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारा मेन काम होता है जो सर्चेस करने के लिए काम आता है जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें नेट पे सर्च करनी होती है सब हम किसके थ्रू करते हैं वेब ब्राउजर के थ्रू करते हैं चलिए यहाँ पे क्या करता है ये ब्राउजर पे हम देते हैं एंटर करते हैं वो हमें रिजल्ट में जो भी लिंक्स होता है वो दिखा देता है ये कुछ ब्राउजर्स हैं हमारे मोजिला फायरबॉक्स फायरफॉक्स गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट दीज आर द ब्राउजर्स वेब ब्राउजर्स मेन

On a website, you can see text or images that are underlined and highlighted in blue. When you click on one on one of these links, you are taken to a different page documents or images. The term hyperlink refers to this. टेक्स्ट और इमेज और लिंक इज एदर नेम फॉर इट जैसे आप अपनी वेबसाइट पे देखते हैं आपके कुछ वर्ड्स होते हैं जो ब्लू कलर से लिंक वो होते हैं आप उन पे क्लिक करते जैसे आप उन पे क्लिक करते तो आप देखते हैं आप किसी भी वेबसाइट के किसी भी दूसरे पेजेस पे या कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट पे आप जंप कर जाते हैं तो ये काम होता है हमारा हाइपर का जो ब्लू कलर का हमारा जो टेक्स्ट होता है और उससे अंडरलाइन होता है वो हमारा हाइपर होता है आइए देखते हैं डाउनलोडिंग गेटिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द होस्ट पीसी सर्वर टू द क्लाइंट पीसी यूजर पीसी इज नॉन एज डाउनलोडिंग फ्रॉम द इंटरनेट यू कैन डाउनलोड न्यूमरस गेम्स म्यूजिक वीडियो मूवीज एंड अदर सॉफ्टवेयर फॉर एंटरटेनमेंट जैसे आप क्या कर सकते हैं डाउनलोडिंग का मतलब जैसे हम नेट पे क्या कर सकते हैं डाउनलोडिंग कर सकते हैं हमें जो भी डेटा जो भी म्यूजिक चाहिए जो भी हमें ऑडियो चाहिए जो भी हमें एंटरटेनमेंट पर्पज से हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं जब हम क्या करते हैं क्लाइंट पीसी सर्वर पे जाके उसकी रिक्वेस्ट बेचते हैं हम उससे क्या कर सकते हैं सर्वर से उसको क्या कर लेते हैं डाउनलोड कर लेते हैं आइए अपलोडिंग देखते हैं ये होता है डाउनलोडिंग हमने सर्वर से अपने पीसी पे किसी चीज को डाउनलोड किया करा अपलोडिंग मींस

क्या है क्लाइंट है लेकिन हम अपने सर्वर पे किसी चीज को अपलोड करना चाहते हैं कोई अपनी फाइल भेजना चाहते हैं कोई अपना मैटर सेंड करना चाहते हैं तो दिस प्रोसेस को क्या कहलाता है ये प्रोसेस कहलाता है हमारा अपलोडिंग आइए अब देखते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज द कंपनी That charges a yearly or monthly fees to provide you with an internet connection and services in India. BSNL, MTNL, Airtel, Reliance Communications and other are some well-known ISPs. Hmm. देखिए, ISP क्या है? ISP से internet service provider होता है। हमारे क्या होता है? ये होता है। अब जब हम internet connection को लेने के लिए company को paid करते हैं। तो वो जो कंपनीज होती हैं जो इंटरनेट कनेक्शन में प्रोवाइड करते हैं दीज कंपनीज आर कॉल्ड अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो इंडिया के अंदर है वो मोस्टली जो है हमारी बी एस एन एल है एम टी एन एल है रिलायंस है ये हमारी पॉपुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंडिया के अंदर आई एस का फैक्ट स्टेशन देखते हैं द फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आई एस पी टेलनेट वॉज एस्टेब्लिश इन नाइनटीन सेवनटी फोर जो हमारा सबसे पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था वो टेलनेट था जो नाइनटीन सेवनटी फोर में एस्टेब्लिश हुआ था चलिए ये आर द ऑफ द कंपनीज जो हमें क्या करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है आइए सर्च इंजन देखता है अ सर्च इंजन इज द वेब टूल दैट लेट्स यूजर्स लुक अप और सर्च फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट गूगल याहू बिंग एंड अदर सर्च इंजन आर अमंग द मोस्ट वाइडली यूज सर्च इंजन देखिए क्या होता है जो हमारे सर्च इंजन होते हैं ये क्या होता है ये एक तरह से क्या होता है इन्फॉर्मेशन को सर्च करने का काम करते हैं जैसे हमारा गूगल हो गया या गया बिंग हो गया ये सब क्या है सर्च इंजन है जो भी हमें इंफॉर्मेशन सर्च करनी होती है हम इन सर्च इंजन के ऊपर उस इंफॉर्मेशन को टाइप कर देते हैं उसके रिलेटेड डेटा हमारे सामने डिस्प्ले होकर आ जाए आ जाता है चलिए देखते हैं कुछ सर्च इंजन गूगल ये या इंडेक्स या हु इंजन आई ए यूजिंग अ सर्च इंजन किस तरीके से सर्च इंजन को यूज करते हैं Each search engine permits the client to enter a keyword connected with the data he needs to. लुक फॉर एंड शोज द लिस्ट ऑफ रिलेटेड साइट आपका हर सर्च इंजन क्या होता है एक परमिशन देता है हमें जो भी वेबसाइट करनी है एंटर करता है वो हमारी क्या करते हैं टू यूज अच इंजन फॉलो दिविन को फॉलो करता है सर्च इंजन को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट ओपन अ वेब ब्राउज सबसे पहले हम ओपन वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे यू आर एन लाइक डब्लू डब्ल्यू गूगल डॉट www.google.com हम अपने सर्च इंजन में जाएंगे हेमाज हम इस क्या करेंगे वेबसाइट की साइट देंगे यू आर एल टाइप कर देंगे स्टेप थ्री इन द सर्च बॉक्स टाइप द की वर्ड कनेक्टेड विद द डेटा यू आर सर्चिंग फॉर एग्जाम्पल टाइप होमी जहांगीर बाबा जैसा हमें क्या करना हमें ये सर्च करना तो हमने क्या सर्च बॉक्स में जाए हमने करा होमी जहागीर बाबा हमने लिखा तो आप देखेंगे जैसे ही आप एंटर स्टेप फॉर में यू कैन यूज द एंटर की और सर्च बटन आर लिस्ट ऑफ वेबसाइट आर रिलेटेड टू इट विल बी शोन जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उससे रिलेटेड जितनी आपकी क्या है सारी की सारी वेबसाइट आपकी खुल जाएंगी स्टेप रीड द द द लिंक दैट इज मोस्ट टू फिर हमारे पास जो की बोर्ड से रिलेटेड हमारी जितनी भी साइट्स खुल कर आएंगी हमें जो भी चाहिए हम उस पर क्लिक करेंगे वही वेबसाइट्स हमारी क्या हो जाएगी ओपन हो जाएगी आइए अब देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट एज इज द वेब ब्राउजर फॉर द विंडोज टेन ऑपरेटिंग सिस्टम बाई डिफॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट है वो हमारा बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर हमें मिलता है किसके अंदर विंडोज टेन के अंदर टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एज फॉलो द दिवन स्टेप्स मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज को हम कैसे खोल सकते हैं उसके स्टेप्स गिवन है उनको हम फॉलो करके उसको खोल सकते हैं स्टेप वन क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे स्टेप टू में सर्च माइक्रोसॉफ्ट एज फिर हम क्या करेंगे माइक्रोसॉफ्ट अपने स्टार्ट मेन्यू जो खोला उसके अंदर सर्च करेंगे क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज एंड इट विल ओपन जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वो आपका आपके सामने खुल जाएगा या एडिशनली यू कैन क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एज सिंबल ऑन द टास्क बार आपके टास्क बार में भी क्या होता है ये होता है इसका आईपन आएक आइकन बटन होता है आप उस उसपे भी क्लिक करके इसको खोल सकते हैं चलिए इसका प्रैक्टिस देखते हैं Microsoft Edge was replaced by Internet Explorer in the latest version of Windows. Internet Explorer is still available under Windows accessories in Windows 10. देखिए Microsoft Edge से पहले हमारा जो था वो Internet Explorer था उसी को आगे एडवांस करके नाम दिया गया Microsoft Edge का लेकिन Internet Explorer को भी हम Windows 10 की Windows accessory में जाकर अभी देख सकते हैं चलिए देखते हैं Components of माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो अब माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो के हम कुछ कम्पोनेंट्स देखते हैं द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द कम्पोनेंट्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो ये कुछ कम्पोनेट्स है जो माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं जैसे रिफ्रेश बटन बैकअप बटन न्यू टैप बटन एड्रेस बाट्स एंड मोर चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं करंट टैप एज फॉर साइड पेज यू हैव ओपन द ऑन गोइंग टैब यू हैव ओपन शो ऑफ एस लाइट वाइल्ड डोज नॉट ओपन आर डिम डार्क देखिए जो होती है हमारी क्या होती है ये हमारी होते हैं टैब्स बटन होते हैं आप इस पर क्लिक करेंगे जो आपकी हाईलाइट होंगी वो हो जाएंगी नहीं होंगी तो यहाँ पे आपकी टैब शो नहीं होंगी आइए बैक फॉरवर्ड यू कैन गेट बैक टू द पेज यू वर ऑन बिफोर यूजिंग द बैक बटन एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड अगेन इफ यू नीड टू आपके क्या होता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड बटन होते हैं आप इन पे क्लिक करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं इस पेज के बैक में जा सकते हैं रिफ्रेश योर पेज इज रिलोटेड वेन यू क्लिक द रिफ्रेश बटन रिफ्रेश बटन में जैसे रिफ्रेशमेंट होता है ना इसी तरीके से हमारा क्या हो जाता है पेज का भी क्या हो जाता है हम कहते हैं रिफ्रेश बटन भी क्लिक करते हैं जो पेज हमारा वो क्या हो जाता है रिलोटेड हो जाता है न्यू टैब टू ओपन अब क्लिक दिस बटन हम क्या करते हैं नई टैब हमें खोलने तो हम न्यू टैब बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी नई टैब खुल जाएगी एड्रेस बार इन द एड्रेस बार यू कैन टाइप वेब एड्रेसेस और परफॉर्म अ वेब सर्च अब आप वेब एड्रेस के अंदर एड्रेस बार के अंदर जाके आप क्या कर सकते हैं एड्रेस अपना टाइप कर सकते हैं तो आपको जिसका भी जिसका भी बारे में सर्च करना है वो एड्रेस बार में जाके आप उसका एड्रेस टाइप कर सकते हैं ये हमारी एड्रेस बार कहलाती है चलिए अब फेवरेट्स यू कैन मार्क अ वेबसाइट एज अ फेवरेट और ऐड इट टू योर एडिंग री एडिंग लिस्ट बाय क्लिकिंग द स्टार आइकन द हब कंटेंट्स योर सेफ रीडिंग लिस्ट अगर आप फेवरेट पे जाते हैं देखिए यहाँ पे आपका एक स्टार बटन का टाइप ही मिलता है दिस इज अ फेवरेट आपकी होता है आप इसमें जाके जिसको भी आपको बार बार री रीड करना है आप उसको फेवरेट में जाके क्या कर सकते हैं एड कर सकते हैं मोर

ये web pages को सुन सकता है बाई यूजिंग द कंट्रोल प्लस शिव प्लस यू के थ्रू माइक्रोसॉफ्टी कर सकता है गूगल इज अ प्रेजेंटली द मोस्ट वेल नोन वेब ब्राउजर गेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सर्च इंक्वाज कंसिस्टेंटली गूगल सबसे ज्यादा मोस्ट वेल नोन वेब ब्राउजर है जो नंबर ऑफ सर्च इंक्वायरीज को कर देता है कंसिस्टेंटली बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के एकदम हमारे सामने डिस्प्ले कर देता है आइए इसका बैकअप स्टेशन देखते हैं अब तक जो हमने इस चैप्टर्स के अंदर पढ़ा उस चैप्टर्स को रिवाइज करते हैं द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस दैट अलाउ यूजर टू शेयर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन जो तो इंटरनेट है वो ग्लोबल नेटवर्क होता है ये सारी डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करे रखता है जिससे हम एक डिवाइस डिवाइस को दूसरी डिवाइस क्या कर सकती है डेटा शेयर कर सकती है फाइल शेयर कर सकती है बहुत सारे काम हम क्या कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू ग्लोबली कर सकते हैं द इंटरनेट स्टार्टेड एज एरपानेट जो इंटरनेट सबसे पहले स्टार्ट हुआ, हुआ था वो एरपानेट से स्टार्ट हुआ था द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेबल वीआर द इंटरनेट इज रिफर्ड टू एज द वर्ल्ड वाइड वेब ऑल्सो नॉन एज डब्ल्यू डब्लू डब्ल्यू और वेब जो कलेक्शन होता है नेट पर इंटरनेट पर का, वो डब्ल्यू 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 कहलाता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है एवरी वेबसाइट फंडामेंटल कॉम्पोनेट इज द वेब टेक्स वेब टेक्स्ट इमेजेस फोटोग्राफ साउंड और वीडियो कैन ऑल बी ऑन अ वेब पेज देखिए जो कॉम्पोनेट्स होता है हर वेबसाइट का जो मेन कॉम्पोनेंट्स है वो वेब पेज होता है वेब पेज कंटेन कर सकता है टेक्स्ट ऑडियो वीडियो बहुत सारे कंटेंट्स आपका ये क्या कर सके डेटा कंटेन करता है अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज अ वेबसाइट फर्स्ट पेज ऑफ अ साइट इज नॉन एज अ होम पेज जो वेब का कलेक्शन होता है वो कलेक्शन वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कहलाती है और क्या कहलाता है आपका जो फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट का वो कहलाता है हमारा होम पेज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यू आर इज यू आर एल इज द यूनिक एड्रेस ऑफ इच वेबसाइट और पेज जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है यू आर एल होता है ये एड्रेस होता है हर वेबसाइट का ये यूनिक होता है हर वेबसाइट का अलग एड्रेस होता है अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट सर्चेज फॉर एंड डिस्प्ले वेब पेजेस ऑन योर कंप्यूटर और अदर डिवाइस इज नॉन एज अ वेब ब्राउजर और सर्च इंजन जो हमारे नेट के ऊपर इंटरनेट के ऊपर जो भी डेटा हमारा सर्च करता है वो हमारा होता है वेब ब्राउजर कहलाता है या वेब सर्च इंजन होता है एन आई एस पी इज अंपनी देट चेंजेस आ इयरली और मंथली फी टू प्रोवाइड यू विध एन इंटरनेट कनेक्शन एंड सर्विसेस आई एस पीपनी कंपनीज होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है ये नेट आपको प्रोवाइड करने के लिए मंथली चार्ज करती है या ईयरली चार्ज करती है विंडोज टेन यूजेज माइक्रोसॉफ्ट एज इज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर जो माइ विंडोज टेन है वो क्या करती है माइक्रोसॉफ्ट एज उसके अंदर डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है हमारा जो हमें मिलता है विंडोज टेन के साथ

एवरी वेब पेज है यूनिक एड्रेस कॉल जो हर पेज का यूनिक एड्रेस क्या कहलाता है गूगल क्रॉम डब्ल्यू डब्ल्यू यू आर एस आई एस पी कहलाता है हमारा यू आर ऑप्शन सी आई नेक्स्ट देखते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स गिविन है इनसे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है ब्लैंक्स फिल करने द इंटरनेट स्टार्टेड एज नेट द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेबल बिया द इंटरनेट इज रिफर टू एज द जो हमारा लार्जेस्ट कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन हम किससे कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब से ब्लैंक इज द ब्लैंक ऑफ वेब पेज इज द वेबसाइट क्या कहलाता है हमारा अ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ अ साइट इज नॉन एज द जो फर्स्ट पेज होता है साइट का क्या कहलाता है हमारा होम पेज आइए नेक्स्ट देखते हैं राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो सही स्टेटमेंट उसके आगे हम टी लिखेंगे जो फॉल्स उसके आगे हम एफ लिखेंगे द इंटरनेट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल नेटवर्क ट्रू द वर्ल्ड वाइड वेब एंड द इंटरनेट आर द सेम थिंग्स ट्रू एस टी पी इज द यूनिक एड्रेस ऑफ इच वेबसाइट ऑफ पेज फॉल्स ऑल ऑफ योर डाउनलोड फेवर रीडिंग लिस्ट एंड हिस्ट्री आर स्टोर्ड इन दू यू डोंट नीड अ कंप्यूटर अदर डिवाइस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट फॉल्स समय नीड होती है स्टूडेंट इस चैप्टर की आगे की एक्सरसाइज आप खुद करेंगे होपफुली ये चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टिल देन हैव अ नाइस डे